तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी जियो फोन नेक्स्ट के बारे में कि ये 10 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात की थी, यानी कुछ स्पेशल जो फीचर्स थे उनके बारे में बात की थी। लेकिन काफ़ी लोग इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में पूछ रहे थे, तो वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़, इसमें आपको 1 GB की रैम मिलेगी और 8 GB की स्टोरेज मिलेगी। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसमें फ्री फायर चलेगा या नहीं, या फिर जो BGMI आया है वो चलेगा या नहीं। तो अभी आप देख सकते हो इसमें वो नहीं चलेंगे, क्योंकि ये एंड्रॉयड गो एडिशन पर चलेगा। और इन स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको पता है कि एंड्रॉयड गो एडिशन ही मिल सकता है। मैंने जो कल आपको फ़ोटोज़ भी दिखाई थी उनमें आप कैमरा के ऊपर में देख सकते हो गो लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा इसमें प्ले स्टोर मिल जाएगा और जियो के जितने ऐप्स हैं वो आप चला पाओगे। इसमें आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा और पीछे का जो कैमरा है वो 12 MP का होगा। इन्होंने कुछ कैमरा सैंपल भी शेयर किए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप देख सकते हो किस तरीके की फ़ोटोज़ आने वाली हैं। तो गूगल ने खुद ही अपने ये ब्लॉग पर शेयर की है, साथ ही में ट्विटर पर भी शेयर किया, आप जाकर के देख सकते हो। और ये जो फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर की गई हैं वो जियो फोन नेक्स्ट की है। तो उसमें आप देख सकते हो आपको नाइट मोड मिल जाएगा, जिससे कि आप रात में भी अच्छी फ़ोटो ले पाओगे। पीछे का कैमरा जो है उसके सैम्पल्स आप देख सकते हो। HDR मोड है, जिससे कलर वगैरह को इन्हेंस कर देता है ये। तो बैक में आपको एक ही कैमरा मिलेगा 12 MP का। और पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रंट कैमरा में आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स वगैरह मिलेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर सैंपल्स देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का ये जो फ़ोन है वो होने वाला है। अभी इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस इन्होंने कन्फर्म नहीं बताया अभी तक। तो लगभग सभी का यही कहना है कि अगर इसे मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन बताया गया है तो ये 3000 से 4000 के बीच में होना चाहिए, और तभी ये बाकी फ़ोन से अच्छा बिक पाएगा जो कि पहले से ही मार्केट में है और काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल हैं। तो इसकी प्राइस 3000 से 4000 के बीच में हो सकती है। और बेसिक स्मार्टफोन होने वाला है, 4G इसमें आपको मिलेगा, 5G नहीं मिलेगा। जो लोग 2G को छोड़ करके 4G में आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी इसमें कुछ ऑफ़र वगैरह मिलते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। अभी अगर कोई वीडियोज़ वगैरह बनती है कि जियो फोन 1 या जियो फोन 2 को लेकर के आप ये ले सकते हो, तो आप उनको बिल्कुल भी मत देखिएगा। ऐसी कोई भी ऑफ़र अभी तक नहीं आई है। और इसके अलावा जो पीछे का बैक होगा वो रिमूवेबल होगा, यानी कि उसको आप हटा करके बैटरी को निकाल सकते हो। तो आप समझ सकते हो कितना बेसिक स्मार्टफोन होने वाला है। आजकल के फ़ोन में ये चीज़ें नहीं आपको मिलती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होने की वजह से लगता है कि इसका प्राइस जो है वो 3000 से 4000 के बीच में हो सकता है, या फिर कुछ ऑफ़र वगैरह लगा करके 3000 से भी नीचे जाता है तो काफ़ी लोग इसे लेना पसंद करेंगे। बाकी अगर ये 4000 से ऊपर जाता है तो बहुत कम लोग इसे लेना चाहेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको पूछा था कि आपके हिसाब से इसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो लगभग लोग इसी रेंज में बता रहे थे। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, नीचे आप कमेंट करके बता दीजिएगा इसका प्राइस क्या होगा, तब आप इसे लेना चाहोगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।